नमस्कार रायगढ़, मैं कौशल गोस्वामी, युवा संकल्प संगठन। आज हमारे संगठन के द्वारा रायगढ़ रेलवे स्टेशन मास्टर जी से मुलाकात किया गया है। रायगढ़ रेलवे स्टेशन मुख्य द्वार के सामने जो लोगों असामाजिक तत्वों के द्वारा शौच किया जा रहा है, उस विषय में हमने आज रायगढ़ स्टेशन मास्टर जी को डीआरएम महोदय जी के नाम से ज्ञापन सौंपा है और उनसे मुलाकात के दरमियान जो बातें हुई हैं और जो उन्होंने तुरंत कदम उठाने का एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है, तो आपको उनसे हम रूबरू कराते हैं इस लाइव वीडियो के माध्यम से। सर, जो ये स्थिति बनी हुई है रायगढ़ रेलवे स्टेशन के सामने, जिसमें लोग प्रतिदिन शौच कर रहे हैं और वह एक मुख्य रास्ता भी है जिसमें महिलाएं, पुरुष और जितने भी गणमान्य नागरिक आना जाना करते हैं, और रायगढ़ में जो भी अतिथि रायगढ़ आते हैं, क्योंकि रायगढ़ एक स्टील हब के नाम से जाना जाता है जिसमें 100 से अधिक फैक्ट्रियाँ हैं, जिसमें प्रतिदिन नए जो अतिथि हैं वो आते हैं जाते हैं। जो प्रथम द्वार हमारे रायगढ़ का, जिसमें जो रेलवे स्टेशन है मुख्य द्वार के जस्ट सामने जो ये पेशाब किया जाता है असामाजिक तत्वों के द्वारा, इस विषय में आप बताएंगे सर कि इसमें क्या कदम उठाएंगे जो आज हमने ज्ञापन दिया है। ये आपका जो बात है, ये बहुत अच्छी लगा हमको सुनकर कि रेलवे स्टेशन का सामने जो होता है शहर का मुख्य द्वार होता है, और आपने जो समस्या बताई है हमें, हमारे ये पहले से ही सोच में है कि हम लोग इस बारे में कुछ कदम उठाएं ताकि शहर की और स्टेशन की दोनों की इमेज अच्छा रहे। और हम लोगों ने आपका ये मैसेज मिला है हमको, और उसका पहले भी हम लोगों ने एक्शन ले चुके हैं कि इस बारे में अपने उच्च अधिकारी को बता चुके हैं कि उसके बारे में क्या हम लोगों को करना चाहिए। तो अभी भी हम लोग कार्रवाई करेंगे, तो आपका ये ज्ञापन के द्वारा DRM साहब को बता देंगे, और जो भी हम लोग से होगा हम उचित कदम जरूर उठाएंगे ताकि हमारा शहर और रेलवे स्टेशन का इमेज बचा रहे, ऊँचा रहे। सर, आपका कुछ पर्सनल व्यू उसमें कि ऐसा क्या काम करें उस जगह में कि हमारा रायगढ़ का शहर सुंदरता बना रहे और जो असामाजिक तत्व वहाँ शौच कर रहे हैं वो शौच करना रोक दें, आपका पर्सनल व्यू जानना चाहते हैं सर हम लोग। मेरा पर्सनल व्यू ये है कि वो जगह जो पड़ा है वो ओपन तरीके से है, जिसमें किसी को कोई इंडिविजुअल बोलने से दिक्कत होती है, तो उसको हम लोग, मेरा जो पर्सनल विचार है उसको हम लोग अगर घेरा बना देते हैं ताकि उसमें किसी की भी एंट्री जो होता है वो बाधित हो, तो देखिए वहाँ कोई जाएगा नहीं गंदगी करने के लिए, और वहाँ कुछ डेकोरेटिव वर्क कर देते हैं, कुछ पौधे लगा देते हैं या कुछ स्टैचू लगा देते हैं, लाइटिंग कर देते हैं, थोड़ा सा छोटा मोटा गार्डन टाइप का हो जाए तो हम पब्लिक को उसमें गंदगी करने से हम लोग रोक सकते हैं। जी धन्यवाद सर। जैसा कि आपने देखा, हमारे जो आदरणीय स्टेशन मास्टर पीके राउत सर जी हैं, उनके द्वारा बहुत ही पॉजिटिव व्यू बताया गया इस विषय को लेकर के, और हमारे संगठन के द्वारा जो कार्य किया गया है उनका सराहना भी किया गया इनके द्वारा। तो हम राउत जी से यही विश्वास रखते हैं कि बहुत ही जल्द इस विषय में उचित कार्रवाई होगी, और वो जो हमारा मुख्य द्वार है जो दीवार के सामने जहाँ हमें आज वर्तमान समय में शर्म महसूस होती है, हमारे राउत सर जी और DRM और रेलवे विभाग जी के द्वारा हमें गौरवान्वित किया जाएगा, गौरव महसूस कराया जाएगा। हम बस इसी आशा के साथ आज सर को ज्ञापन दे करके यहां से हम लोग जा रहे हैं। धन्यवाद सर जी। जय 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 जय।